जय श्री राम दोस्तों। तो जैसे कि आपको दिख रहा है, आज हम लोग बना रहे हैं आलू के पराठे। मैंने आलू ले लिए हैं धो के और बॉयल होने चढ़ा दिया है। दो सीटी लगाई हैं और ये अच्छे से बॉयल हो गए हैं। अब मैं इनको छील के अच्छे से मैश कर लेंगे। आप चाहे तो पोटैटो मैशर का भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से मैश करने के बाद फिर इसमें जीरा पाउडर डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और हींग, काला नमक थोड़ा सा, और ये है ब्लैक पेपर, काली मिर्च, और थोड़ी सी सौंफ डाल देंगे, और ये है कसूरी मेथी, थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देंगे, और ये हरी मिर्च काट के डाल दी मैंने। आपको चटपटा पसंद है तो आप और भी ऐड कर सकते हैं। इसमें थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे आटे में, और यहाँ पे थोड़ा सा नमक डाला है मैंने, थोड़ा सा 2 चम्मच ऑयल। अब इसको थोड़ा मिक्स करके सॉफ्ट सा आटा गूंद लेंगे। थोड़ा गीला ही रखेंगे क्योंकि आलू के पराठे जैसे फटे ही नहीं, तो जितना हो सके सॉफ्ट आटा लगा लें आप। और ये देखिए कितने मस्त हमारे आलू के पराठे बन के तैयार होंगे अभी, एकदम पतले पतले। तो दोनों साइड से सिक चुका है, हम इसको पलट के इस पे लगा देंगे घी। ये देखिए कितना मस्त पराठा बना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।